मैंने फराज के साथ साथ सबको खुश करने की कोशिश की, उनसे मोहब्बत की, उनका सबका ख्याल रखा, लेकिन नहीं बेटा, वो मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन सही बात तो ये है कि वो तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं। बस मत रो बेटा आप, चलो शाबाश, आज पूछो। समीन अच्छा भला सब अपने कमरों में सोने को चले गए थे, सबकी नींद खराब कर दी इस तमाशे ने। हुप्पो, मैं आपको इतनी झूठी और समीन इतनी सच्ची क्यों लगती है? ऐसी क्या बात है भाई, मेरे लिए तो तुम दोनों हलीमा की बहुएं हो, दोनों बराबर हो। बाबा और फराज भाई सीसीटीवी की एक एक फुटेज चेक कर रहे हैं, आई थिंक गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मुझे ना जरा फ्रेश एयर की जरूरत महसूस हो रही है, मैं बाहर लॉन में चलती हूँ। अरे ठहरो तो सही, अब तुमने जो समीन के बारे में कहा है उसका सच झूठ खुलने में थोड़ा ही वक्त रह गया है, कहाँ जा रही हो? सब समझ रही हूँ मैं बुढ़िया, तुम मीठी छुरी बनकर इस घर से मेरी जड़ें काटना चाहती हो ना? देखना मौका मिलते ही मैं तुम्हें कैसा सीधा करती हूँ। सारे कैमरास की फुटेजेस चेक कर ली है, साया वाया तो कहीं भी नजर नहीं आया। इसका मतलब है कि हरीम भाभी झूठ बोल रही हैं। मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला, मैंने जो देखा था मैंने सबको वो क्लियरली बता दिया, जिसे मानना है माने, नहीं माना नहीं माने। कहाँ जा रही हो? लॉन में, और आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहीं मौजूद हूँ, जिसका जब दिल करे जो दिल करे आके सवाल जवाब कर सकता है। इन्हें क्या हुआ है? एक तो इनका झूठ पकड़ा गया है, बजाय इसके कि शर्मिंदा हो, ये एटीट्यूड किस बात का दिखा रही है? मैं जरा बात करती हूँ। तुम बैठ जाओ, तुम अपनी भावच से कोई सवाल जवाब नहीं करोगी। उप्पो मैं उनसे सवाल नहीं कर रही, मैं उनके बिहेवियर पर हैरान हूँ। तो झूठ, पर से मामा से बदतमीजी कर रही है। अरे भाई तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, घर में सब मौजूद है ना, और सब तुमसे बड़े हैं। चलो तुम जाओ अपने कमरे में। मगर पुप्पो मुझे बात, अरे कहा ना, जाओ जाओ, पुप्पो जो कह रही है सुनो उनकी बात। मेहरत की बात है। कायम हो। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ताजा हवा खाने बाहर गई है। हम सबकी हवा पानी बंद करने के बाद